के मामले में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत अब कांग्रेस का हिस्सा है, लेकिन पूर्व में जब वो बीजेपी से कोटद्वार विधायक रहे तो कोटद्वार का विकास करने में बीजेपी उनकी बाधक बनी रही, और यही वजह है कि कांग्रेस कोटद्वार प्रत्याशी सुंदर नेगी ने ये भी कहा कि उनकी विधानसभा में बीजेपी का कार्यकाल शून्य रहा है। ऐसे बनाए इतना संगठन जो मेरे को एक साथ मिल गया, तो आप इससे लगा सकते हैं कि भागी फायदा ही मिला है और जीत होगी पक्का, वो भी बम्पर वोटों से। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा हमारी नज़र में और जनता की नज़र में, ऐसा नहीं है, फायदा भी मिलेगा हमारे को उनका। और मैं चाहती हूँ कि उनका आशीर्वाद भी मुझे मिले दीदी का, हमारी विधायक जी का, और पूरा मिलेगा मुझे यकीन है। तो इस संबंध में मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज ही से तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि जब चुनाव होता उसके दूसरे दिन से ही फिर अगले तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और हम लोग घर घर जाकर, गांव गांव जाकर भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको घर घर तक पहुंचाते रहते हैं। देखिए मेरे सामने कौन आता है, कोई ना कोई कांग्रेस की तरफ से आना ही था, और मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है कि कौन क्या आता है, क्योंकि अगर आखिरी निर्णय तो जनता ने करना है। ये निश्चित है कि प्रतिनिधियों के पास धन बल बहुत है, लेकिन मेरे पास जनता का प्यार है। एक तो हमारे मानव जी हमारे साथ में हैं, दलित भाई जी भी पहुँचने वाले हैं, और रेणु कृष्ण केशव से तीनों हमारे माननीय जो प्रत्याशी हैं उनका नामांकन है, माननीय जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ में हैं, सभी कार्यकर्ता हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जितने काम भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में बॉडी के लिए किए हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी फिर यहाँ से चुनाव जीतेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी प्रवीण कुमार ने प्रेस वार्ता की, उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों पर जमकर निशाना भी इस दौरान साधा। कांग्रेस पर लगातार परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का उन्होंने आरोप लगाया। आपको बताया कि जैसे उत्तराखंड में भाजपा एक तरीके से भ्रष्टाचार का पूरी तरीके से पुलंदा बन चुकी है, तो कांग्रेस भी एक तरीके से इसमें पीछे कम नहीं है। कांग्रेस ने ही पूरे भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया है, और जिसका आम आदमी पार्टी भरपूर विरोध करती है। आम आदमी पार्टी का हरेक कार्यकर्ता हरेक प्रत्याशी जो है गली गली में जाएगा, और भाजपा और कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी नेता है उनके खिलाफ जो है लगातार लोगों को जनता में जागरूक करेगा, जनता में जाके बताएगा। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से ईमानदार लोगों को, जिस तरीके से साफ सफाई वाले लोगों को आम आदमी पार्टी लगातार टिकट दे रही है, लगातार जो है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लगातार नामांकन कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को लगातार जिस तरीके जनता का संपर्क मिल रहा है, जनता का जनसंपर्क अभियान के तहत उनका प्यार विश्वास और आशीर्वाद मिल रहा है, और इस बार पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी आश्वस्त है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जीत हासिल करी, दिल्ली के मॉडल पे बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य के मॉडल पे जीत हासिल करी, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल और कर्नल कोटियाल जी को एक मौका जो है उत्तराखंड की जनता देने वाली है, और आम आदमी पार्टी की जैसे दिल्ली का मॉडल जो है उत्तराखंड के लोगों को मिलने वाला है। और आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार और गंगोत्री विधानसभा से प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल आज गंगोत्री विधानसभा के मनेरी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया और कई लोगों को पार्टी में जोड़ने का उन्होंने काम भी किया। साथ ही प्रचार के दौरान उन्होंने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को भी पार्टी में शामिल किया। और वहीं हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा ने कर्नल अजय कोठियाल और गाँव के युवाओं से खास बातचीत भी की। गंगोत्री विधानसभा में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल लगातार डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, लगातार जो है जनता से मुलाकात जो है वो कर रहे हैं, और कई सारे लोगों को जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी में भी जो है ज्वाइन कराया है। हमारे साथ कर्नल अजय कोठियाल भी हैं, और आप मेरे ठीक सामने अगर देखेंगे तो ये सारे यूथ ब्रिगेड भी है, क्योंकि जो नए वोटर हैं उनको जोड़ने की कोशिश भी जो है पार्टी में किया जा रहा है, और कई लोगों को जो है आज जोड़ा भी गया है। सर, पहले तो आपसे, लगातार युवाओं को जोड़ा जा रहा है, सारे जो यूथ हैं गंगोत्री विधानसभा के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, आज मनेरी गांव में कई लोगों को आपने जोड़ा, क्या लगता है कितना परिवर्तन? देखो, इस टाइम पे तो जो जुड़ रहे हैं ना साथ में, ये तो पहली बार वोट देने वाले हैं। इनकी माओ ने करा था आंदोलन, सबसे पहले महिला कूदी थी आंदोलन में,
तब जाकर के उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ। आज इनकी जिम्मेवारी बनती है कि इनकी माँ ने, इनकी माओ ने जो जुल्म झेले और उसके बाद उत्तराखंड अलग हुआ। आज ये वोटर है, इनके पास वो हथियार है जो कि सरकार को ठीक कर सकता है और इनका फर्ज बनता है। यहाँ पे तो भाजपा खत्म हो गई ना, अब इसको तो बोलेंगे भांगरेस। जो अभी भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो तो कट्टर कांग्रेस के कैंडिडेट होते थे, अब वो कांग्रेस भाजपा में भी आ गई, तो इस बार कांग्रेस आपस में लड़ रही है दोनों की दोनों। तो ये तो तरक्की का मॉडल कैसे दिखेगा, ऐसे लड़के कैसे आगे बढ़ेंगे। काफी उम्मीद सर आपसे, ये युवा कर रहे हैं और युवाओं के लिए आपने काफी काम भी किया है, क्या लगता है उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे, किस तरीके से काम करेंगे आप? देखो काम तो हमने पहले ही, मतलब अभी क्या, अभी तो सरकार में भी नहीं है, पहले ही कर रहे हैं। सरकार में आएंगे तो 10 गुना और करेंगे। यहाँ पे इंटर कॉलेज हैं, इनको ना इतना बढ़िया ट्रेनिंग एरिया में कन्वर्ट करा जा सकता है, स्कूल भी चले और उसके बाद में यहाँ पे कैरेक्टर बिल्डिंग डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी चले, लोग नशे से भी दूर रहेंगे, लोगों के अंदर समझ आएगी कैसे उन्हें अपने भविष्य में चलना है। और यही तो है, इन यूथ को एक डायरेक्शन देनी है, बाकी तो ये बंडल ऑफ एनर्जी है, इनको अपने आप करना आता है फिर उसके बाद। तो धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के। ये थे कर्नल अजय कोठियाल जो लगातार गंगोत्री विधानसभा में डोर टू डोर जो है वो कैंपेन कर रहे हैं, युवाओं को जो है जोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से यूथ फाउंडेशन के जरिए जो है वो लगातार युवाओं को आर्मी में भर्ती करने के लिए जो है प्रेरित करते हैं और कई सारे युवा जो है आर्मी में उनके फाउंडेशन के जरिए जो है वो भर्ती भी हुए हैं। इसी उम्मीद के साथ जो है मनेरी गाँव के जो युवा हैं, जो नए वोटर हैं, वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं। उन्हें भी उम्मीद है कि जब कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री विधानसभा से विधायक कर जो अगर जीतेंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे, लेकिन इसके लिए अभी 10 मार्च का इंतजार जरूर करना होगा। अपने सहयोगी संदीप नेगी के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10 मनेरी। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जहां प्रत्याशी और पार्टियां अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, डोर टू डोर कैंपेन किए जा रहे हैं और वहीं दलों में अदला बदली का खेल भी शुरू हो चुका है। थराली सीट पर कांग्रेस को झटका देते हुए कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष देवी जोशी ने आज सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। हालांकि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सुनावाज के जिला पंचायत सदस्य देवी जोशी के कांग्रेस छोड़ने और नाराजगी की कोई खास वजह सामने नहीं आई है। वहीं थराली सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीतराम ने देवी जोशी के कांग्रेस छोड़ने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वो किन परिस्थितियों में बीजेपी में गए ये तो वही जाने, लेकिन अगर कोई अपने निजी स्वार्थ के चलते कांग्रेस छोड़ता है तो इससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बीती रात उनकी बातचीत देवी जोशी से हुई थी, लेकिन उस वक्त किसी तरह की नाराजगी उन्होंने व्यक्त नहीं की थी। अब ऐसे में अकारण अगर वो पार्टी को छोड़कर गए हैं तो ये उनका अपना स्वार्थ हो सकता है। अभी अभी आया है, लेकिन उन्होंने किन परिस्थितियों में किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा संगठन हमारे पास है। अगर कोई अपने निजी स्वार्थों के लिए अगर इस पर कांग्रेस को छोड़ता है, ये भारतीय जनता पार्टी उसी तरह की है जो तमाम यहाँ पर जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम हो, चाहे शराब का हो, चाहे खनन का हो, तमाम चीज़ों में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है कांग्रेस की सरकार। तो हमको किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे साथ बातचीत आप दिखाई मेरी कल रात उनसे बात। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर लालिमा रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है
और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही लें। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल, कहां कहां से निकली विकास। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी है और इस सूची में 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने बद्रीनाथ सीट से भगवती प्रसाद महोली, कर्णप्रयाग से दयाल सिंह बिष्ट, रुद्रप्रयाग सीट से किशोरी नंदन डोभाल, नरेंद्र नगर विधानसभा सीट से पुष्पा रावत, प्रताप नगर सीट से सागर भंडारी, चक्राता से जो कि सुरक्षा एसटी सीट है वहां से दर्शन डोभाल को, हरिद्वार सीट से संजय सैनी, रुड़की विधानसभा सीट से नरेश प्रिंस, पिथौरागढ़ से पार्टी ने चंद्रप्रकाश पुनहेड़ा को मैदान में उतारा है और गंगोली हाट से अपिता बद को प्रत्याशी बनाया है आम आदमी पार्टी ने। इससे पहले पार्टी ने तीसरी सूची 14 जनवरी को जारी की थी। लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। एक और सूची आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी की गई है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और सूची जारी की गई है। बद्रीनाथ से भगवती प्रसाद महोली, कर्णप्रयाग से दयाल सिंह बिष्ट, रुद्रप्रयाग से किशोरी नंदन डोभाल को, नरेंद्र नगर से पुष्पा रावत को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। चौथी सूची है आम आदमी पार्टी की। इससे पहले तीसरी सूची में आम आदमी पार्टी ने 9 प्रत्याशियों का ऐलान किया था। तो चौथी सूची में 10 उम्मीदवारों के नाम हैं। वो हम आपको बता रहे हैं कि कहां से कौन सा प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने उतारा है। पहली बार उत्तराखंड में ताल ठोक रही है आम आदमी पार्टी और पूरी मेहनत के साथ इस बार मैदान में उतरी हुई है। तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी का दावा है कि आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प उत्तराखंड में है, लेकिन देखना होगा कि जब परिणाम आएंगे तो क्या नतीजे आते हैं। फिलहाल लिस्ट आपके सामने है। रुद्रप्रयाग से किशोरी नंदन डोभाल को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। इसके अलावा प्रतापनगर से सागर भंडारी, चक्राता से दर्शन डोभाल, हरिद्वार से संजय सैनी, रुड़की से नरेश प्रिंस को प्रत्याशी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने सभी कर्मचारियों के साथ नव परिवर्तन संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारों ने कर्मचारियों को इंसान नहीं गुलाम समझा है। कर्मचारी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया और सरकारों ने उन्हें सड़क पर उतरने को मजबूर किया है। और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं। प्यारे कर्मचारी साथियों, मैं कर्नल अजय कोठियाल आज आप सबके साथ ईमानदारी से एक वादा करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों की तकलीफ़ों को, परेशानियों को, ज़रूरतों को अच्छी तरह से समझता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि इनको पूरा करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। 10 साल आपने भाजपा को और 10 साल कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया। मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार को बनने का मौका दीजिए, आपकी सारी परेशानी उन पे फुल स्टॉप लग जाएगा। और वही यूकेडी प्रत्याशी गजपाल रावत ने आज विधिवत नामांकन कर दिया है। नामांकन के दौरान कोविड-19 और आचार संहिता के नियमों का सख्ती से पालन भी किया गया। नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्रीय दल यूकेडी प्रत्याशी गजपाल रावत का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। नामांकन के बाद यूकेडी प्रत्याशी गजपाल रावत ने तमाम स्थानों पर जनसंपर्क कर जनता का आशीर्वाद भी लिया और जनता से समर्थन भी मांगा। कांग्रेस ने हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई का टिकट फाइनल कर दिया है। अनुकृति गुसाई को लैंसडाउन से टिकट दिया गया है और वहीं बहू के टिकट मिलने को लेकर हरक सिंह रावत खुश दिखाई दिए। हरक सिंह रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल ने। हरक सिंह रावत जी हमारे साथ हैं और उन्हीं से जानते हैं कि पहले तो सर बहुत मेहनत की आपने, युवाओं के लिए कहा जाता है कि बहुत काम करते हैं आप, और अब तो अपने घर के एक युवा हैं उनके लिए आपने जो है इतनी मेहनत की और एक टिकट उनके जो है कांग्रेस से मिल गया, किस तरह से देख रहे हैं पूरी।
देखिए, मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं जिसमें भी प्रतिभा देखता हूँ मैं उस बच्चे को उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता हूँ। वो केवल अपना बच्चा नहीं, बच्चा ही नहीं, किसी का भी बच्चा हो, किसी की भी लड़की हो, विशेष करके जब मैं किसी लड़की में देखता हूँ कि ये लड़की डॉक्टर बन सकती है, ये इंजीनियर बन सकती है, लेकिन ये किसी अभाव के कारण, पिताजी नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और मैं मुझे लगता है कि ये लड़की कुछ कर सकती है, तो मैं बिना सोशल मीडिया, बिना मीडिया के, बिना नाम लिए हुए उस बच्ची को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। सवाल जो इस समय सबसे बड़ा सवाल इस समय राजनीति में चल रहा है, हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़, आपको उनका फैसला कितना लग रहा है? रंजीत रावत जो है नजर नाराज भी नजर आ रहे हैं, उनके कई समर्थक नाराज नजर आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है ये फैसला? देखिए, क्योंकि हरीश भाई के का खुद का निर्णय है, पार्टी का निर्णय है, तो मैं सोचता हूँ कि सोच समझ के उन्होंने निर्णय लिया होगा, और जो भी निर्णय लिया होगा अच्छा लिया होगा, क्योंकि कोई निर्णय जब हो जाता है तो उस पर टिक्का टिप्पणी करना मैं सोचता हूँ उचित नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी राय हरीश भाई को भी और पार्टी हाईकमान को पहले दी थी, और उसके बाद निर्णय जो भी हुआ है वो मैं सोचता हूँ उसका हम स्वागत करते हैं। अब आरएस सिंह रावत जी जो कि काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पुत्र वधु है उनका टिकट फाइनल हो गया है, लंसडाउन से उन्हें टिकट मिल गया, और वो भी अपनी इच्छा जो है वो जरूर जता रहे हैं चुनाव लड़ने की। उन्होंने कहा है कि हमेशा मैं बड़े जो प्रतिनिधि होते हैं उनके सामने चुनाव लड़ता हूँ और जीत कर भी आता हूँ। मेरे सहयोगी सुनील के साथ मैं योगेश सेमवार, नेटवर्क 10, देहरादून। और वहीं देवभूमि में टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अजय भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में पदाधिकारियों की संख्या जरूरत से ज्यादा है, भाजपा कैसी पार्टी पूरा विश्व जानता है। और वहीं अजय भट्ट ने हरक सिंह रावत की कांग्रेस की जीत को लेकर कही बात पर कहा है कि मुंगेरी लाल के सपने देखने का हक सबको है। कांग्रेस का अपना सिस्टम है, हर पार्टी का अपना सिस्टम होता है, उनकी संस्कृति में अंतर्द्वंद पल पल पर होता है, सब कुछ चलता है, क्या होता है देखना चाहिए, जैसा भी होगा। हम लोग तो अपनी तैयारी पर लगे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने सिद्धांतों को देखते हैं, अपनी पार्टी को देखते हैं, हमें किस तरह से चुनाव अभियान करना है ये अपने कैंडिडेट को देखते हैं, ये उनकी मर्जी है, जैसा भी करेंगे। भाजपा को ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह की देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं तक कमजोर नहीं है, और दूसरे लोगों की संस्कृतियां हैं वो तो ऑलरेडी कमजोर हैं, हमें क्या लगना है उससे। 10 तो धड़े हैं, 10 समूह के रूप में पटे हैं, 4 जिनके अध्यक्ष हों, छोटे से प्रदेश में 4 अध्यक्ष जिन्होंने बनाए हों, आप सब जानते हैं वहाँ कैसा चल रहा होगा, और जिनके जनरल सेक्रेटरी 50 से ज़्यादा होते हों, तो इस तरह से कैसे चलता है वो संगठन, उनका कैसे चलता है वो जाने, हमारा संगठन कैसे चलता है वो सारी दुनिया जानती है, सब जानते हैं, हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। और जो अनुशासन हमारे वहाँ तोड़ता है उसके बारे में क्या हम लोग करते हैं, क्या होता है, आप भी जानते हैं। लास्ट स्थिति तक हम सबको प्रणाम करते हैं, सबको लाने का प्रयास करते हैं, अनुशासन टूटता है तो फिर कड़ी कार्रवाई भी होती है। उनके वहाँ ये सब चीज़ें चलती हैं, गिरना है, उठना है, इधर जाना है, उधर जाना है, सब कुछ करते हैं, इसलिए वो और हम बिल्कुल अलग हैं। और अब खबर देहरादून से है, आपको बताएं कि कांग्रेस को थराली में लगा बड़ा झटका, थराली ब्लॉक अध्यक्ष हुए बीजेपी में शामिल, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, सीएम धामी से मुलाकात की फोटो भी वायरल हुई। कांग्रेस के लिए नए ब्लॉक अध्यक्ष के चयन में अब मुश्किलें आ सकती हैं। देवभूमि में उत्तराखंड कांग्रेस के हरीश रावत को रामनगर से टिकट देने के बाद रामनगर विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे रणजीत सिंह रावत की अब पहली प्रतिक्रिया आई है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत से बातचीत की, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने किन परिस्थितियों में ये फैसला लिया है ये सोच से परे है। उन्होंने ये भी कहा कि एक व्यक्ति पिछले 5 सालों से एक विधानसभा क्षेत्र में मेहनत करता है, काम करता है, चाहे कोरोना का समय हो, चाहे आपदा का समय हो, हमने पूरी रामनगर विधानसभा में लोगों के घर घर पर जाकर मेहनत की है, और अंतिम में परिणाम स्वरूप किसी और को टिकट दे दिया जाता है।
और ये रामनगर में नहीं, कई सीटों पे देखने को मिल रहा है कि जो लोग जमे जमाए थे, जो अपने क्षेत्रों में लोगों का सुख दुख देख रहे थे, पार्टी की रीति नीतियों को लोगों तक पहुंचा रहे थे, जन समर्थन जिनको ज़्यादा मिल रहा था, उन सबको जो है इधर से उधर किया गया है। पता नहीं कौन सा नया अभिनव प्रयोग पार्टी ने किस सलाहकार के कहने पर किया, ये समझ से परे है, इसमें पार्टी वालों से बात करेंगे। जहाँ तक रही अगले निर्णय की बात, तो मैं ये कहना चाहूँगा, राजनीतिक सामाजिक जीवन में अकेले का कोई निर्णय नहीं होता है। जो हमारे साथी सहयोगी हैं, जिन्होंने रामनगर के सुख दुख में हमारे साथ लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया है, कोरोना की फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो, या जो बाढ़ आई थी, आपदा आई थी अतिवृष्टि की वो हो, या दूसरे मामले हों जिसमें लोगों को घरों को। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली ने एक मौका केजरीवाल को कैंपेन के बारे में बताया, जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के 30 से 40 लाख लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। ये लोग जब दिल्ली की सुविधाओं के बारे में अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों को उत्तराखंड में बताएंगे तो बदलाव निश्चित है। दिल्ली में हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने उत्तराखंडी हमारे प्रवासी जो भाई बहन हैं, जो दिल्ली में निवास करते हैं, उनसे अपील की है कि दिल्ली सरकार ने जो जनता की बेहतरी के लिए वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य सुविधाओं को बहुत बेहतर किया है, उसके बारे में वो अपनी एक वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड के भाई बहन जो यहाँ पर निवास करते हैं, मतलब उत्तराखंड में निवास करते हैं, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी दिल्ली के अंदर जो बेहतर काम हुए हैं उनके बारे में ज़रूर बताएं। और जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने एक मौका केजरीवाल को दिया था इस नारे के साथ, एक मौका केजरीवाल को, उसी तरीके से उत्तराखंड की जनता भी एक मौका अजय कोठियाल जी को ज़रूर देगी। और केदारनाथ की सीट मौजूदा समय में कांग्रेस के खेमे में है और भाजपा विधानसभा चुनाव में केदारनाथ सीट को हथियाना चाहती है। ऐसे में उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। वहीं केदारनाथ सीट के लिए आशा नौटियाल का नाम सबसे पहले चल रहा है। आशा नौटियाल आज प्रदेश कार्यालय पहुंची, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। संभावना ये जताई जा रही है कि केदारनाथ से भाजपा आशा नौटियाल को टिकट दे सकती है। देखिए, पार्टी अपने हिसाब से निर्णय करती है, हम तो कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य करते रहते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए काम करते हैं, बाकी पार्टी जो भी डिसीजन करेगी उसके लिए काम करेंगे। कितना देखिए, एक कार्यकर्ता के नाते तो हर कार्यकर्ता आश्वस्त रहता है और जितना हर कार्यकर्ता आश्वस्त रहता है उतनी ही मैं भी आश्वस्त हूँ। आज मिलने भी पहुँची है। देखिए, ये तो हमारा घर है और अपने घर में हम हर समय आते जाते रहते हैं। आज भी ऐसे ही मैं मिलने के लिए आई हूँ अपने वरिष्ठ लोगों को। और इन्हीं खबरों के साथ ही खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही लें। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने किया संवाद। नमो ऐप के माध्यम से पीएम मोदी ने की बात। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की दी बधाई, कहा 75% मतदान करें सुनिश्चित। दिल्ली में प्रतिबंधों को लेकर बोले सीएम केजरीवाल, कहा दिल्ली में जल्द हटाए जाएंगे कोविड-19 के प्रतिबंध। दिल्ली में तेजी से घट रहा पॉजिटिविटी रेट। यूपी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह, कहा पहले जैसे अब नहीं रह गई कांग्रेस।
हरियाणा में 1 फरवरी से खुलेंगे सभी स्कूल। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी जानकारी। कोविड गाइडलाइंस के तहत चलेंगी 10वीं 11वीं और 12वीं की कक्षाएं। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला। लाल चौक के पास ग्रेनेड फेंककर फरार हुए आतंकी। हमले में 3 लोगों के घायल होने की भी खबर। पश्चिमांचल लाइव के प्रायोजक है कायम चूर्ण के साथ पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन।